तो आज हम बनाएंगे हरा मूंग और लौकी की सब्जी और हम इसमें लगाएंगे साउथ इंडियन तड़का। आप एक बार हरा मूंग और लौकी की सब्जी इस तरीके से जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये लौकी ले लिया है। हम हाफ लौकी को बनाएंगे, तो इस तरीके से हम हाफ लौकी पहले कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे छील लेंगे। और अब हम लौकी को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लौकी को चार टुकड़ों में पहले कट कर रही हूँ, उसके बाद जो इसका जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वो हम अलग कर लेंगे, हम इसे सब्जी में यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसे मोटा मोटा कट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसे कुकर में बॉईल करूँगी तो उससे क्या पतला कट करने से लौकी जो है वो ज़्यादा बॉईल हो जाएगा। तो हम इस तरीके से मोटा मोटा लौकी को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लौकी को कट कर लिया है और हमारा लौकी जो है बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मैंने एक कप हरा मूंग जो रात भर भिगो के रख लिया था, और अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे डायरेक्ट भी बॉईल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कटा हुआ लौकी ले लिया है, हम इसे भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया, बारीक कट कर लिया है जिसे, और एक टमाटर, इसे भी कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ले लिया है जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है। और मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ले लिया है और वन टेबल स्पून नमक। और यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी ले लिया है, हम इसे डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 विसल आने तक हम इसे पका लेंगे। और अब 1 विसल हो चुके हैं, हम मूंग को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूंग और लौकी जो है बहुत अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन पे एक बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून सरसों डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 लाल मिर्च ले लिया जिसे बीच से तोड़ लिया, हम इसे भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 स्प्रिंग करी लीव्स ले लिया है। और अब मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून सांबर पाउडर ले लिया है, हम इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारा मसाले जो है वो जले ना। और अब हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। और अब मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसमें बॉईल किए हुए हरा मूंग और लौकी को डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए और पकने देंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसमें हाफ लेमन का जूस डाल देंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, हम इसे डाल देंगे और इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा हरा मूंग और लौकी का सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।